नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो किसी ने मुझसे पूछा है कि हाउ कैन काउंट वर्ड इन द सेल। एक सेल के अंदर में कितने मल्टीपल वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कि मुझे इसको काउंट करना है। इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सेल फॉर्मूले के तरीके से इसको हम करेंगे। उससे पहले जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसको वर्ड काउंट करना है, कितने वर्ड है कैसे पता चलेगा? स्पेस से, जितना स्पेस उतना वर्ड। बट किसी स्पेस को एक सेल के अंदर काउंट करना, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें से लेंथ को निकालेंगे कि लेंथ 55। और फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा और बोलूंगा कि इसमें जाओ, स्पेस को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। और फिर मैं इसमें वापस लेंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर इन दोनों को माइनस करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि इसमें 9 वर्ड है। लेकिन ये तो हमने अलग अलग करके लगाया, आप चाहो तो यहां इकट्ठा लगा सकते हो कि इक्वल लेन, और हमने इसमें इसको सिलेक्ट किया माइनस, वापस लेन देंगे और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला देंगे। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम बोलते हैं स्पेस को ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कि हमने इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट किया, अनक्लोज कर देते हैं और फिर ब्रैकेट देके क्लोज करते हैं। ये हमारे सामने 9 करेक्टर आ गए। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ करेक्टर, कौन सा करेक्टर कितना बार रिपीट करता है वो भी निकाल सकते हैं, कॉमा कितना लगा है, डैश कितना लगा है, डॉट कितना लगा है, ऐसे किसी करेक्टर को काउंट कर सकते हो इस मेथड से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, जी हाँ, हम लोग लाइव ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं जूम ऐप की मदद से। जूम ऐप की मदद से आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट होंगे, सारे डाउट सारे क्वेश्चन एट ए टाइम ही पूछ सकते हो, क्योंकि हम हेडफोन से आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो लाइव इंटरेक्टिव 1-to-1 होता है, आप मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। तो फटाफट टेलीफोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए और मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, इन फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी कॉल नहीं लगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए। और आप मेरे पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन सिक्वेंसली पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी।